Hello friends, this is Sangam Forum. Welcome back to my channel of Pharmacy Tree. Friends, in this video, I'm going to talk about OxyAspas tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. Friends, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन, यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले या लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है OxyAspas 5mg टैबलेट। फ्रेंड्स, OxyAspas 5mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल यूरिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। यूरिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम कहने का मेरा अर्थ यह हो रहा है कि अगर यूरिन से रिलेटेड, जैसे पेशाब करने आपको परेशानी हो रही है, बार बार आपको पेशाब लग रहा है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन बेसिकली दो कैटेगरी से बिलोंग करता है। नंबर वन है एंटी स्पाजमोडिक कैटेगरी और दूसरा बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं एंटी कोलिनर्जिक कैटेगरी। तो इसके अंदर बेसिकली दो कैटेगरी के को दो कैटेगरी से लोग समझते हैं कि दो कैटेगरी, या तो आप एंटी स्पाजमोडिक भी बोल सकते हो या तो एंटी कोलिनर्जिक भी बोल सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोग एंटी स्पाजमोडिक ही बोलते हैं इसे। तो चलिए, जाहिर सी बात, हमने स्टम का इस्तेमाल किया है कि इसके अंदर दो कैटेगरी होते हैं। तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ विद इन दो कैटेगरी, ये दो कैटेगरी का जो एग्जैक्ट मीनिंग हो तो वो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इसमें एलैबोरेट करता हूँ। डियर व्यूअर्स, एंटी स्पाजमोडिक कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो हमारे स्मूथ मसल को रिलैक्स करे। स्मूथ मसल में अगर स्पाजम हो गया हो, स्मूथ मसल कहने का मेरा अर्थ होता है जैसे हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, ब्लैडर हो गया, ये सब क्या है, ये सब स्मूथ मसल है। तो हमारे जो एब्डोमिनल एरिया का जो मसल होता है अंदर का, पेट के अंदर का, उसको हम लोग स्मूथ मसल बोलते हैं। और उसमें कोई दर्द वगैरह, स्पाजम वगैरह हो गया तो उसको जो ठीक करने का काम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी स्पाजमोडिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। अब बात करते हैं एंटी कोलिनर्जिक। एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जो स्टाइल कोलिन एंजाइम होता है, ठीक है, केमिकल मैसेंजर समझो, जिसको ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंचने देता है कि आपको दर्द हो रहा है, पेन का सिग्नल को क्या करता है, स्टॉप कर देता है, उसे हम लोग बोलते हैं एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये दोनों तरह से काम करता है, इसलिए बोलते दो दो कैटेगरी होता है, एक एंटी कोलिनर्जिक भी होता है और एंटी स्पाजमोडिक कैटेगरी भी होता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि एंटी स्पाजमोडिक कैटेगरी क्या होता है और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग या कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सा कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में एक हाईली रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं। कितने? 10 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 200 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपना खुद देख लेना। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट बात करना चाहेंगे, विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो OxyAspas 5mg टैबलेट होता है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्सीब्यूटाइनिन क्लोराइड 5mg पाया जाता है। मतलब इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्सीब्यूटाइनिन क्लोराइड 5mg पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल यूरिन लीकेज को ठीक करने के लिए किया जाता है, कि अगर पेशाब का आपका लीक हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल पाया जाता है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्सीब्यूटाइनिन क्लोराइड 5mg पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, डॉक्टर द्वारा कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल लिया जाता है, इन सारी यूसेज के बारे में हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वन बाय वन करके इसी यूसेज को समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन वन बाय वन। ओके, वन बाय वन। तो फ्रेंड्स, नंबर वन इसका यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ फ्रिक्वेंट
यूरिनेशन की। अगर किसी व्यक्ति को लगातार पेशाब आ रहा है, बार बार पेशाब आ रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बेड वेटिंग, कि अगर कोई व्यक्ति, ज्यादातर बच्चा होता है, ठीक है, अगर कोई बच्चा या कोई बूढ़ा, ये दो केस में ऐसा होता है कि बिस्तर को गीला करता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि मुझे पेशाब लगी और बिस्तर को गीला करता, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ यूरिन लीकेज, कि अगर कोई व्यक्ति को यूरिन लीकेज हो रहा है, मतलब उसको पता नहीं चल रहा और पेशाब का हो जा रहा है, ठीक है, लीक कर रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूरिन, यूरिन कि इसका इस्तेमाल कि वैसे पेशेंट में भी किया जाता है जिसको क्या हो कि अगर पेशाब लगी हो, ठीक है, यूरिन आउटपुट होना, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं हो, तुरंत हो जाए कि तुरंत भी कर ले, ठीक है, तो वैसे पेशेंट को भी ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ज़्यादातर केस आपको डायबिटिक केस में मिलता है, कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसको यूरिन जैसे ही पेशाब लगे उसको बर्दाश्त नहीं होता, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इनएबिलिटी ऑफ कंट्रोल, इनएबिलिटी ऑफ कंट्रोल यूरिन, कि जिसको यूरिन क्या हो, पेशाब लगा और बर्दाश्त ना हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर कहने का अर्थ होता है कि इस जो हमारा जो ब्लैडर होता है, ठीक है, वो जरूरत से ज्यादा काम करने, ओवर मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, ठीक है, जैसा मतलब स्मार्ट बोलते, ओवर स्मार्ट मतलब जरूरत से ज्यादा काबिल जिसको बोल देते हैं, ठीक है, उसी तरह से ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं, इसका इस्तेमाल हमारा जो ब्लैडर होता है, ठीक है, उसके कारण अगर वो जरूरत से ज्यादा काम करने लगता है तो उसके कारण ये सारी परेशानी होती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ, इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अगर सिंपली समझा जाए तो इसका इस्तेमाल मेन जो होता है वो ओवर एक्टिव ब्लैडर को ही ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर अगर सही हो गया तो ये सारे जो मैंने बताया आपको, ट्रीटमेंट ऑफ इनएबिलिटी ऑफ कंट्रोल यूरिन, फिर ट्रीटमेंट ऑफ फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, मतलब ये सारे जो मैंने बताया कि ये सारी दिक्कत होती है, ठीक है, कि पेशाब बार बार पेशाब लगना है, पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाना, ठीक है, या तो कहते हैं ना बेड वेटिंग, बिस्तर गीला करते हैं, तो ये सारे जो परेशानी होती है वो किसके कारण होती है, ओवर एक्टिव ब्लैडर के कारण ही होती है। अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर कंट्रोल हो गया तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहते हैं कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो सिरप हो, किसी को आप एडमिनिस्टर ना करें, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर वन है कंट्राइंडिकेशन प्रेग्नेंट लेडी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चे को स्तनपान कराती, दूध पिलाती थी, उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लीवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई पेशेंट लीवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसमें तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आप नहीं दे, इस बात को बखूबी आपको याद रखना है, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे इसका सुटेबल डोज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया होंगे। फ्रेंड्स, ये बात करना चाहेंगे इसका साइड इफेक्ट्स बारे में। फ्रेंड्स, हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता ही, ठीक उसी प्रकार इस मेडिसिन का भी कुछ साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार। फ्रेंड्स, नंबर वन इसका साइड इफेक्ट है ड्राई माउथ, आपका जो मुंह जो है ये सूखा सूखा लगेगा, ठीक है, इसमें सूखा सूखा लगेगा। फिर कहते हैं डायरिया, हो सकता है आपको स्टूल जो है आपका पानी की तरफ पतला हो जाए। फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपका क्या है दर्द रहेगा, सर दर्द रहेगा। ये सारे कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है, बेसिकली तीन इसके साइड इफेक्ट्स मैंने बताया आपको, हेडेक बताया, डायरिया बताया और ड्राई माउथ बताया, हो सकता है कॉन्स्टिपेशन भी आपको हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली कुछ इसके ये सारे कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, हो सके इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को रिकमेंड करेंगे या प्रेस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके बेसिकली डोज के बारे में। फ्रेंड्स, हमेशा डोज मैंने बताया है कि डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिवेरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली जो डोज चलता है, अगर सिवेरिटी कम हो, परेशानी कम हो, थोड़ा बहुत हो रहा है, तो 1 x OD आप दे सकते हैं, एक गोली दिन भर में दे सकते हैं। जब एक गोली देना तो ज़्यादातर रात में दिया जाता है, क्या रात में देता है, रात में दिया तो सोने से पहले इसको दिया जाता है, ताकि बेड वेटिंग ना करे, बिस्तर गीला ना करे और उसको तुरंत तुरंत पेशाब ना लगे, ठीक है, कि जो ओवर एक्टिव ब्लैडर हो वो सही तरीके से काम करे, प्रॉपर तरीके से काम करे, ओवर काम ना करे, एक्टिव तरीके से बस काम करे। या अगर ज़्यादा कुछ परेशानी है तो डॉक्टर डिसाइड कर, तो हो सकता है 1 x BD भी दे सकते हैं डॉक्टर, ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ, डोज क्या होता है।
फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई हो कि ऑक्सीजन पास 5mg टैबलेट क्या होता है, कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।